हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई एम रितु शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज एडिटोरियल सेशन. आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल सेशन के अंदर. आई होप आप सभी अच्छे हैं, वेल हेल्थ में अच्छे हैं, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, राइट. सो आज हम स्टार्ट करेंगे, एंड ऑफ द वीक फ्राइडे हम आ चुके हैं और देखते हैं आज क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं. उससे पहले हम देखेंगे आपके लिए आज मोटिवेशन क्या है. लेट्स सी इट ऑन द स्क्रीन. ऑलवेज ड्रीम एंड शूट हायर then you know you can do. Don't bother just to be better than your contemporaries or predecessor. Try to be better than yourself, right? So आपका competition आपसे पहले होना चाहिए, right? Try to be always better than yesterday. आज आप जो भी हो, कल से कोशिश करो कि थोड़ी और कोशिश करने की, right? So always dream and shoot higher, right? Then you know you can do. डोंट बॉदर अबाउट द कंटेम्प्रेरीज और प्रेडिसेसर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है. कॉम्पिटिशन का मत देखो, अपने आप में जब आप सुधार करने लग जाओगे, आप कोशिश करोगे कि मैं कल मैंने जितना काम किया था आज मैं उससे थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, देन आपकी ग्रोथ होने वाली है, राइट. सो विद दैट नोट कि हम कोशिश करेंगे, कोशिश करना ज़्यादा ज़रूरी है एक सक्सेस पाने से, क्योंकि कोशिश करते रहेंगे तो ही हमें सक्सेस मिलेगी. सो विद दैट नोट, गुड मॉर्निंग अगैन टू ऑल ऑफ यू. और आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. पहले हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स क्या आए हैं और फिर हम नीचे पे फोकस करेंगे. तो पहला हमारे पास वर्ड है, यहाँ पे मैं सभी से आप चाहूँगी कि आप लोग सेंटेंसेस फॉर्म करा करें, राइट. अच्छे से सेंटेंसेस फॉर्म करा करें तो आपको और प्रैक्टिस होती रहेगी, आपकी इंग्लिश और अच्छी होगी. पहला वर्ड है इनक्विटस, ठीक है. पता चल रहा है ओ यू एस से एडजेक्टिव है, समथिंग जो क्या हो आपके सामने अनफेयर हो, कोई भी चीज़ क्या हो अनफेयर हो, मोरली कोई रॉन्ग चीज़ हो, अन्यायपूर्ण, ठीक है. कोई भी चीज़ क्या हो अनफेयर हो या फिर आपको लगे कि गलत है, तो दैट इज़ इनक्विटस, राइट. नेक्स्ट वी हैव इनकम्बर्ड. इनकम्बर्ड क्या, नॉट हैविंग एनी बर्डन और इम्पाइडमेंट, ठीक है. किसी भी प्रकार का कोई बर्डन ना होना, भार रहित, मतलब देर इज़ नो. अगर ये क्या है एडजेक्टिव है, ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या होगा नॉट हैविंग बर्डन का, हैविंग बर्डन, ठीक है. सपोज आपको किसी चीज़ का, जैसे एग्जाम्स का आपको बर्डन है तो आप क्या बोलोगे इनकम्बर्ड, और अगर नहीं है तो आप क्या बोलोगे नॉट हैविंग एनी बर्डन. तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगी सभी से कि आप एक बारी सेंटेंसेज इसका कमेंट बॉक्स में डाल दें. इनकम्बर्ड का आपको क्या लगता है, एक अच्छा सेंटेंस देखते हैं कौन फॉर्म कर सकता है. ओके, नेक्स्ट वी हैव फेट अकॉम्पली. फेट अकॉम्पली क्या है, अ थिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड और बीन डिसाइडेड बिफोर दोज अफेक्टेड हियर. मतलब एक चीज़ है जो पहले ही रिजल्ट, मतलब रिजल्ट पहले ही आ चुका है, बिफोर एनी डिस्कशन रिजल्ट पहले ही आ चुका है. अब जैसे कि द रिजल्ट वर प्रेजेंटेड टू शेयर होल्डर्स एज अ फेट अकॉम्पली, मतलब डिस्कशन से पहले, कोई एग्रीमेंट से पहले ही आपका रिजल्ट सबसे पहले रख दिया गया, राइट. सो फेट अकॉम्पली क्या है, अ थिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड और बीन डिसाइडेड बिफोर दोज अफेक्टेड हियर अबाउट इट, ठीक है. लीविंग देम विद नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट इट, मतलब सुनने से पहले, बातचीत करने से पहले, डिस्कशन से पहले ही आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, तो दैट इज फेट अकॉम्पली, राइट. सो अगर मैं कहूँ जैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोल सकते हैं बाबरी मस्जिद के केस में, कि विदाउट एनी डिस्कशन उसने क्या दे दिया है, अपना एक ऑलरेडी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, सो दैट इज़ योर फेट कंप्ली. नेक्स्ट वी हैव कोअर्जन. कोअर्जन मतलब कोअर्सिव, कोई भी फोर्स से अगर आपको कोई काम करने को कहे, राइट, किसी के फोर्सफुल एक्शंस हैं तो आप कह सकते हो कोअर्जन, राइट. सो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि डेथ पेनल्टी क्या है, एक कोअर्सिव एक्शन है, ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ कोअर्जन, राइट. सो लास्ट वर्ड है आर्टिकुलेट. किसी भी चीज को मैं आपको अगर बता रही हूँ, सपोज मैं यहाँ पे बैठी हूँ और आपको मैं एक एडिटोरियल सेशन क्या कर रही हूँ, आर्टिकुलेट कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं साफ साफ आपको वो चीज़ बता रही हूँ, कोई भी चीज़ आपको बताना, आप तक पहुँचाना, सो दैट इज आर्टिकुलेटिंग. शी वॉज स्टैंडिंग एंड आर्टिकुलेटिंग हर स्पीच टू ऑल द ऑडियंस, राइट. सो ऐसे आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो, दैट इज आर्टिकुलेटिंग, वर्ब है, कोई भी चीज़ अपनी बात एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक
पहुंचाना. ओके, आई हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर एग्जाम एंड नाउ आई एम अनइनकम्बर्ड. बिल्कुल सही बात है. वी शुड नॉट फेट अकॉम्पली अबाउट आर रिजल्ट्स. ओके, ये भी ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं और सेंटेंसेस में आप सभी से जाऊंगी. कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी अपने सेंटेंसेस फॉर्म करते रहो और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी से कि जल्दी से आप अपना एडिटोरियल सेशन पहले शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चल जाए कि आपका एडिटोरियल सेशन स्टार्ट हो गया है. ओके, एफर्मल क्या है? एफर्मल आपके सामने है समथिंग, कोई चीज़ क्या हो, एक लास्टिंग, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, कोई भी चीज़ बहुत थोड़े समय के लिए रहे. ठीक है, सपोज मैं कहूँ कि हिज इमोशंस आर वेरी एफर्मल, मतलब उसके इमोशंस क्या है, बहुत कम समय के लिए जीवित रहते हैं. सो नेक्स्ट वी हैव अबहोरेंट. अबहोरेंट मतलब इंस्पायरिंग डिस्गाइज्ड एंड लोथिंग रिपगेंट. राइट, जैसे कि कोई भी चीज़ क्या हो, जैसे रेसिज्म वॉज अबहोरेंट टू अस ऑल. कोई भी क्या हो, अच्छी चीज़ ना हो, ठीक है, समथिंग विच इज डिस्गस्ट मतलब डिस्गस्टिंग. राइट, समथिंग विच इज डिस्गस्टिंग जैसे कि रेसिज्म. तो रेसिज्म क्या है, वॉज अबोरेंट टू अस ऑल, हमको रेसिज्म बिल्कुल नहीं पसंद है. राइट, तो ऐसी चीज़ जो क्या हो, पसंद ना हो, जो अच्छी ना हो, जो डिस्गस्टिंग हो, दैट इज अबोरेंट. नेक्स्ट है पाइवट. पाइवट इज पर्सन और थिंग दैट प्लेज अ सेंट्रल पार्ट इन अ सिचुएशन और एंटरप्राइज. कोई भी पर्सन हो, कोई भी चीज़ हो, राइट, तो कोई पाइवट रोल, जैसे कि आपका आर्टिकल जो आया है यहाँ पे, पाइवट से आर्टिकल आया है कि फेसबुक जो है आपका, ठीक है, फेसबुक के अंदर प्राइवेसी जो है, प्राइवेसी आपको जो प्रिवेसी है, वो एक पाइवट रोल, दैट मीन्स सेंट्रल पार्ट पे करती है आपके पूरे फेसबुक एंटरप्राइज के अंदर. सो कोई भी पर्सन, कोई भी चीज़ एक सेंट्रल पार्ट प्ले करे, जैसे कि आरबीआई प्लेज अ पाइव, आरबीआई की अगर बोले, आरबीआई प्लेज अ पाइवट रोल इन द मॉनेटरी पॉलिसी और इन रेगुलेटिंग द मनी. राइट, सो आरबीआई प्लेज द पाइवट रोल इन मॉनिटरिंग द मनी इन और रेगुलेटिंग द मनी इन द नेशन. राइट, नेक्स्ट वी आते हैं डायाबॉलिकल. डायाबॉलिकल क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेविल, मतलब एक डेविल की कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी होती हैं. राइट, सो वो कहलाएगा डायाबॉलिकल. नेक्स्ट वी हैव इम्प्रीमेच्योर. इम्प्रीमेच्योर मतलब पर्सन्स अथॉरिटेटिव अप्रूवल, मतलब अगर आप किसी चीज़ को, किसी पर्सन को अथॉरिटी आप देते हो, नॉट देते हो कि पर्सन की अथॉरिटेटिव अप्रूवल, मतलब एक अथॉरिटी देना, एक अप्रूवल की बात की जाए, तो दैट इज़ योर इम्प्रीमेच्योर. ठीक है, किसी चीज़ की इजाज़त, दैट इज अप्रूवल, क्योंकि नाउन है तो कोई वर्ब नहीं हो रही है, देना या लेना नहीं है अथॉरिटी को, इट जस्ट ये इजाज़त है. ठीक है, इजाज़त है किसी काम की. ओके, नेक्स्ट वी हैव पेनोलॉजी. पेनोलॉजी मतलब क्या होता है, ये स्टडी है. लॉजी हमारा कहाँ से बना है, लॉजी जो रूट वर्ब होती है, दैट कम्स फ्रॉम स्टडी. ठीक है, सो स्टडी से बना है लॉजी, जैसे बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ, ऐसे ही जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ. सो ऐसे ही पेनोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ पनिशमेंट, और जो आपका पेनो बना है वो किससे बना है, आपका पनिशमेंट से. तो स्टडी ऑफ पनिशमेंट, किसी प्रकार का क्राइम, किसी का प्रिजन मैनेजमेंट, ऑल इज दैट पेनोलॉजी. लास्ट वर्ड है हमारे पास फार्स. फार्स इज एन इवेंट और सिचुएशन दैट इज एब्जर्ड और डिसऑर्गेनाइज. कोई भी इवेंट हो, कोई सिचुएशन हो, डिसऑर्गेनाइज्ड हो, ठीक है, अच्छे वे में पुटअप ना की गई हो, अच्छे वे में चीज़ ना हो, सो दैट इज़ फार्स. यहाँ पे आपका फार्स यूज़ किया गया है डेथ पेनल्टी के अंदर. आपका आर्टिकल में देखेंगे कि जो डेथ पेनल्टी है वो क्या है, एक डिसऑर्गेनाइज्ड चीज़ है, वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, डेथ पेनल्टी के जितने भी क्लॉजेज हैं. राइट, सो दैट इज़ योर वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे. ओके, तो यहाँ पे कितने लोगों को आज के वोकैबुलरी वर्ड्स यहाँ पे समझ में आ गए हैं, और यहाँ पे जल्दी से मैं कहूँगी आप एडिटोरियल सेशन शेयर करिए और फिर हम बढ़ेंगे अपने न्यूज़पेपर की ओर. सो कितने लोगों को यहाँ पे वोकैबुलरी के वर्ड सभी समझ में आ गया, बिकॉज मैंने आपको अच्छे से एग्जाम्पल देखे यहाँ पे, एक एक वर्ड समझाया है, तो आई गेस सभी को समझ में आने चाहिए यहाँ पे वर्ड. ओके, देखते हैं हम न्यूज़पेपर पे. आज हमारे पास न्यूज़पेपर नहीं है, एक बार स्क्रीन पे आते हैं. ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं न्यूज़पेपर, क्योंकि आज हमारे पास न्यूज़पेपर नहीं है, बट हम वेब पेज से देखेंगे. राइट, सो वी विल सी वन बाय वन.
ओके सो क्या नहीं हो रहा? अच्छा हम वेट करते हैं कुछ सेकंड्स का ताकि और बच्चे भी जुड़ जाए। और न्यूज़पेपर नहीं है बट यस हम ऑनलाइन जो आपका ई पेपर है उससे हम न्यूज़ देखेंगे यहाँ पे, राइट? सो डोंट वरी अबाउट दैट, हम यहाँ पे न्यूज़पेपर आपका देखेंगे जल्द ही। और न्यूज़पेपर आपके सामने है, आप देख सकते हो आज का ये काम नहीं कर रहा, दिस इज़ PDF। चलो हम आते हैं स्क्रीन पे, राइट? सो एनीवेज दोबारा से हम न्यूज़पेपर देखेंगे और यहाँ पे हम देख लेते हैं दोबारा से आपका न्यूज़पेपर क्या आया है, बिकॉज़ आज फिजिकल पेपर हार्ड कॉपी नहीं है। कोई बात नहीं, बट हम यहाँ पे देख लेते हैं आपके सामने जो आर्टिकल आए हैं वन बाय वन दिखाया जाए एक बारी। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे चाइनाज ब्लॉक, तो चाइना ने हाल ही में एक बहुत यहाँ पे एक सिचुएशन आ गई है चाइना के अंदर, मतलब सिचुएशन आ गई है इंडिया के अंदर, क्योंकि चाइना ने अपनी अगेन वीटो पावर का यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है, राइट? तो डिसीजन ऑन मसूद अजहर इज शॉकिंग बट इंडिया मस्ट कीप अ परसुएसिव पॉलिसी। तो जो डिसीजन है आपका चाइनाज ब्लॉक का वो क्या हो रहा है, अभी चाइना ने ब्लॉक कर दिया है अगेन मसूद अजहर, जो आपके टेररिस्ट थे, जो लीडिंग आपके लीड कर रहे थे जैशे मोहम्मद के ग्रुप को, तो अगेन वो बैन यहाँ पे कर दिया गया है। सो दैट इज योर चाइना ब्लॉक। दूसरा, एन अबहोरेंट एंड अनजस्ट डिवाइस। सो व्हाट इज अबहोरेंट एंड अनजस्ट डिवाइस? कि डेथ पेनल्टी के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि जो डेथ पेनल्टी है यहाँ पे, राइट, वो बहुत ही खराब चीज है। और डेथ पेनल्टी को यहाँ पे बोला गया है कि डेथ पेनल्टी को यहाँ पे बोला गया है कि बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, राइट? सो हम उसको देखेंगे कि डेथ पेनल्टी आपके सामने क्या है, कि किस प्रकार से। अभी अगर आपको याद हो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही गलत हो गया था, तीन ऐसे लोगों को सज़ा सुना दी गई थी जिन्होंने वो क्राइम किया ही नहीं था, और वो जो सज़ा सुनाई गई थी वो डेथ पेनल्टी की सज़ा थी। और करीब करीब 16 साल के बाद सामने आया कि ये जो लोग थे जिन पे डेथ पेनल्टी लगी हुई है वो आपके उनके ऊपर ये चार्जेस थे ही नहीं, ये चार्जेस सच ही नहीं थे। और दूसरी बात, आपका 16 साल के बाद जब वो उनको उनके ऊपर से ये चार्जेस हटे तो वो ऑब्वियसली मेंटली आपके रिटार्डेड हो चुके थे आधे ही, राइट? सो ये आपका सेकेंड आर्टिकल था, इसको हम PDF के थ्रू देखेंगे। चाइना ब्लॉक को भी हम PDF के थ्रू देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं हॉरर इन पोलाची। सो इस आर्टिकल पे फोकस करेंगे, हॉरर इन पोलाची है क्या? देखो यहाँ पे हॉरर इन पोलाची क्या है, कॉजेज लेफ्ट राइट बॉटम में देखो, कॉजेज ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट एंड ब्लैकमेल मस्ट बी परसुअर्ड स्विफ्टली एंड गिल्टी ब्रॉट टू बुक। आर्टिकल में कुछ नहीं है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है टू ट्रांसफर अ पोलाची सेक्सुअल अब्यूज केस। यहाँ पे एक बहुत ही सेक्सुअली अब्यूजिव केस हुआ था, राइट, टू द सेंट्रल बैंक। तो वो जो केस था वो CBI को ट्रांसफर करने का अभी अभी हाल ही में डिसीजन लिया है तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने। वो केस था, गिव्स द केस राइटफुल प्रायोरिटी एंड द एजेंसी मस्ट स्विफ्टली अनरावल द सेक्सुअल असॉल्ट एंड ब्लैकमेल रैकेट। तो ये जो तमिलनाडु के अंदर है वो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस और ब्लैकमेल के जो रैकेट हैं वो बहुत ही ज़्यादा फैल रहे हैं, राइट? तो केस हैज इट्स ओरिजिन इन अ कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट असॉल्ट एंड अ रॉबरी इन अ टाउन इन कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट, राइट? व्हाइल द अरेस्ट ऑफ द अक्यूज वाज मेड इन एंड फेब्रुअरी, द केस क्रिएटेड अ स्टॉर्मली दिस वीक। सो बेसिकली एक बात की गई है कि जो केस अब चला गया CBI के हाथ में, तो जितने भी इसके पीछे लोग हैं जिन्होंने ये क्राइम किया है उसको जल्दी से सामने लाया जाए, राइट? दूसरा, द पब्लिक आउटरेज दैट इंजर्ड हैड द गवर्नमेंट फर्स्ट ऑर्डरिंग दैट कैन बी ट्रांसफर टू CID। दूसरा, यह बोला गया कि जो स्टेट विमेंस कमीशन है, जो कॉन्फिडेंशियलिटी है आपकी विद
कंप्लीट, यहाँ पे आप अगर आप देखोगे विद कंप्लीट कॉन्फिडेंशियली, राइट। सो कॉन्फिडेंशियल इसको रखा जाए जो आपकी विमेन जो है विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी को यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल रखा जाए और सामने ना लिया जाए, राइट। सो स्टेट्स की जितनी भी कंप्लेंट्स हैं यहाँ पे बहुत बढ़ रही हैं, तो सिंपल यहाँ पे बोला गया है कि अच्छे से यहाँ पे काम किया जाए। अगर अब सीबीआई के पास चला गया है तो वो ढंग से काम करे। इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन आप देख सकते हो, इन इलेक्शन सीजन द रूलिंग एंड ऑपोजिशन पार्टीज मस्ट समॉन देयर पॉलिटिकल मोरालिटी बाय आर्टिकुलेटिंग द ग्रेविटी ऑफ क्राइम एंड रिफ्रेनिंग फ्रॉम ट्राइंग टू मेक पॉलिटिकल कैपिटल आउट ऑफ हीनियस क्राइम। सेक्शुअल असॉल्ट एंड ब्लैकमेल आर डार्क क्राइम्स, द गिल्टी मस्ट बी ब्रॉट टू बुक एंड द वुमेन एंड देयर फैमिलीज मस्ट बी अश्योर्ड ऑफ जस्टिस एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट। सो ये आपका आर्टिकल था, बोला गया है कि ये जो केसेस हो रहे हैं सेक्शुअल असॉल्ट से और ब्लैकमेलिंग के केस, उनको पकड़ा जाए, जो भी क्राइम कर रहे हैं उनको सामने लाया जाए, और दूसरा जो आपके जिनके साथ ये क्राइम हुआ है जो विमेंस है, ठीक है, और जो उनकी फैमिलीज है उनको एक सेफ एनवायरनमेंट, जस्टिस और कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, राइट। तो ये यहाँ पे बात की गई है। ओके चलो ये आपका था सेकंड आर्टिकल। नेक्स्ट आप देखोगे कि यहाँ पे आपका जो आर्टिकल है दैट इज योर फ्रॉम रेवोल्यूशन टू रोजेस, अगेन आपका विमेंस डे, तो ये काफ़ी दिनों बाद अब आर्टिकल आने लगे हैं विमेंस डे को। 8th of March को आपका इंटरनेशनल विमेंस डे था, कल आपका आर्टिकल आया था जब हमने पढ़ा था कि हमें विमेंस को और ज़्यादा पुलिस फोर्स के अंदर पॉपुलेशन बढ़ानी चाहिए, अगेन आज आपका आया है वुमेन शुड बी एन ओकेजन टू पॉन्डर ओवर हाउ मच मोर इज टू बी डन फॉर जेंडर जस्टिस। सो अगेन आपके जो जेंडर जस्टिस है, जेंडर इक्वालिटी है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। सो वुमेंस डे जो है आपका शुड बी एन ओकेजन, एक ऐसा ओकेजन होना चाहिए टू पॉन्डर जेंडर जस्टिस, जो जेंडर डाइवर्सिटी है उसको कम करने के लिए ये वुमेंस डे हमारा सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, राइट। सो ये पूरा अगेन वुमेंस के ऊपर आपका आर्टिकल है, आते हैं दोबारा से स्क्रीन पे, राइट। सो आई होप आज आपको समझ में आया हो, दिख रहा है क्लियरली न्यूज़पेपर क्या है क्या नहीं है, राइट। सो यहाँ से हम बढ़ते हैं ओपन सेक्शन की ओर। ये आपका पहला आर्टिकल था, पहला पेज था, राइट। ओके ओके सो हम आते हैं ओपेड सेक्शन की ओर। यहाँ पे अगेन मैं चाहूंगी कि मेरी टीम से बुलाना, ओके चलो कोई बात नहीं, हम आते हैं दूसरे पेज पे जो कि है आपका ओपेड सेक्शन, राइट। सो लेट्स सी, ओके फाइन, हम आते हैं दोबारा से स्क्रीन पे, आपके ओपेड सेक्शन पे पेपर दिखाया जाए दोबारा से। सो आज हमारे पास यहाँ पे जो है आपका हार्ड कॉपी नहीं है, दैट इज़ वाई हम देखेंगे ई पेपर से, डोंट वरी। विल अ कोर्ट मैंडेटेड मीडिएशन ऑन अयोध्या सॉल्व द इशू। सो बेसिकली मीडिएशन, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मीडिएशन की बात की गई है बाबरी मस्जिद और आपका राम मंदिर जन्मभूमि के केस में। सो क्या ये जो कोर्ट ने बोला है, ये जो मीडिएशन है, क्या वो अयोध्या के इस केस को सॉल्व कर पाएगा? तो अगेन यहाँ पे कुछ ओपिनियंस रखे गए हैं, दो पर्सन हैं, उन्होंने अपने अपने उनका ही एक इंटरव्यू आया है। सुप्रीम कोर्ट अटेम्प्ट एट मीडिएशन हैज द शेयर ऑफ सपोर्टर्स एंड क्रिटिक्स। सो जो सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ क्रिटिक्स व्यू भी हैं, राइट। अगेन आपका अयोध्या पे एक केस आया है, क्योंकि आपके इलेक्शन आने वाले, पहली बात एक इलेक्शन आने वाला है, दूसरी बात आपका डिसीजन आने वाला है अयोध्या के केस में। मोस्ट प्रोबेबली आपका डिसीजन आ जाना चाहिए बाय इन द मे तक हम उम्मीद करते हैं डिसीजन आ जाने की। और दूसरा इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए बार बार इस केस को दिखाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से उत्तर प्रदेश में जो आपका ये अयोध्या केस है वहाँ से अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है आपकी बीजेपी, तो ऑब्वियस ये बात है उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन और जो आपकी असेंबली की सीट्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ से अगर आप जीतते हो तो दैट मीन्स काफ़ी हद तक आपकी जीत एक शामिल हो जाती है। तो अयोध्या का जो इशू है वो उत्तर प्रदेश के लिए एक रीजनल इशू ही नहीं है, एक इमोशनल इशू भी है। सो राइट, वी आर गोइंग टू सी दैट ऑल्सो। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास है कैन शेयरिंग बी प्राइवेट,
क्या ये जो शेयरिंग है, हम जो शेयरिंग करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, क्या वो प्राइवेट हो सकती है? मतलब क्या मैं अगर आपको कोई चीज शेयर करती हूँ, क्या वो मेरे और आपके बीच में ही रह सकती है? कोई डॉक्यूमेंट है, कोई फाइल है, कोई इमेज, एनीथिंग। सो क्या ये प्राइवेट हो सकती है? हाल ही में फेसबुक पाइवेट टू प्राइवेसी, जो फेसबुक का सेंट्रल पाइवेट, मतलब मैंने आपको क्या बताया था, सेंट्रल पार्ट जो है प्राइवेसी प्लान का, सिग्नल्स अ शिफ्ट इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो फेसबुक ने अपना दोबारा से सिग्नल को शिफ्ट किया है, यहाँ पे एक प्राइवेट रोल दिखाएगा वो प्राइवेसी को। तो किस तरह के क्या क्या चेंजेस किए गए हैं वो हम इस आर्टिकल को पीडीएफ के थ्रू देखेंगे। सो यहाँ पे कितने लोगों को आर्टिकल जो है समझ में आ गया है, दोबारा से हम स्क्रीन पे आते हैं और पीडीएफ के थ्रू देखेंगे अब पीपीटी के थ्रू, सो ये हमारे आज के आर्टिकल थे। तो कितने लोगों को यहाँ पे आज के आर्टिकल समझ में आ गए हैं? तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि न्यूज़ जो है एक ओवरव्यू मिल गया है आपको, येस और नो में जल्दी से जवाब दीजिए। सो पहला आर्टिकल देखते हैं स्क्रीन पे, चाइनाज ब्लॉक, चाइना का एक ब्लॉक हो रहा है। क्या ब्लॉक है? हाल ही में बहुत बड़ा डिसीजन सामने आया है, डिसीजन टू बैन मसूद अजहर इज शॉकिंग बट इंडिया मस्ट कीप अ पर्सुएसिव पॉलिसी, कि चाइना ने ब्लॉक कर दिया है। दोबारा से चाइना ने मसूद अजहर, जो आपके जैश-ए- मोहम्मद के लीडर हैं, अब उसको ब्लॉक कर दिया है। अगेन वीटो पावर का इस्तेमाल किया है चाइना ने, सो ये जो है आपका बहुत इम्पैक्ट डालेगा आपका इंडिया पे, और चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। सो चाइना डिसीजन टू ब्लॉक द लिस्टिंग ऑफ जैश-ए- मोहम्मद मसूद अजहर एज अ ग्लोबल टेररिस्ट एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज बोथ अ सेटबैक टू इंडिया पोस्ट पुलवामा डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी एंड अ रियलिटी चेक ऑन टाइज विद चाइना एट प्रेजेंट। सो ये जो आपका डिसीजन है टू पुट मसूद अजहर, नॉट टू पुट एज अ मसूद अजहर एज अ ग्लोबल टेररिस्ट एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि जो आपकी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, कितने मेंबर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब उन सभी, वो परमानेंट मेंबर्स हैं, उन सभी मेंबर्स को एक पावर दी गई है, मतलब वीटो पावर। अगर जब तक सभी लोग मेंबर जो हैं वो अगर नहीं बोल देते कि हमें इसको बैन करना है, तब तक उसको मसूद अजहर को बैन नहीं किया जाए, एक भी अगर बैकआउट कर गया तो दैट मीन्स वो नहीं डिसीजन लिया जाएगा। सो नाउ ये एक पुलवामा डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी एंड रियलिटी चेक्स, एक रियलिटी चेक होने वाला है द टाइज विद चाइना एट प्रेजेंट, कि हमारे जो चाइना के साथ टाइज हैं वो किस तरह के होंगे। अब 193 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है, यूएन की बात नहीं हो रही, बिल्कुल सही। तो पांच मेंबर हैं यहाँ पे, पांच परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, जिनके पास एक वीटो पावर दी गई है, कोई भी डिसीजन के तहत पे आप ये वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हो, और अगेन चाइना ने ऐसा ही किया। आफ्टर द फरवरी 14 अटैक क्लेम दैट जैश-ए- मोहम्मद गवर्नमेंट हैड मेड द लिस्टिंग ऑफ अजहर अ फोकस इन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, इट रीच आउट टू सेवरल गवर्नमेंट्स, ठीक है। हमें पता है कि जैसे हम जैसे ही आप अटैक हुआ था तो इंडिया ने क्या किया, सेवरल गवर्नमेंट के पास वो खुद गई, उस डोसायर, डोसायर क्या होता है आपका, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स उसने भेजे, ठीक है, जो कि मसूद अजहर जो है आपका टेररिस्ट है, सेवरल गवर्नमेंट के पास गई वो बात करने की, ये जो आपका टेररिस्ट है। दूसरा क्या हुआ, अ स्पेशल एफर्ट वॉज मेड विद बेजिंग, बेजिंग मतलब आपका चाइना के साथ तो और भी स्पेशल एफर्ट्स बनाए गए और उनको बताया गया कि इस तरह से आप देखो कि डोसायर मतलब आपका एविडेंसेस भेजे गए, जैसे कि आपको पता है लीक हुआ था आपका वीडियो जहां पे मसूद अजहर ने खुद ही क्लेम किया था कि यस हमने किया है अटैक, तो इस तरह के कुछ एविडेंसेस इकट्ठे करके आपके भेजे गए थे, बट चाइना ने नहीं माना। द वीटोस केम डिस्पाइट द फैक्ट दैट जैश-ए- मोहम्मद इज बैन, जैश-ए- मोहम्मद जो आपका टेररिस्ट ग्रुप है उसको बैन कर दिया गया है, बट मसूद अजहर को नहीं। लिस्टिंग इज नोटेड दैट अजहर एंड हिज लीडर्स एंड द फाउंडर एक्सेप्टेड फंड्स फ्रॉम ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन से जब जैश-ए- मोहम्मद जब बना था ये फंडिंग ली जाती थी, मतलब अजहर, मसूद अजहर जो था जब उस समय पे लीडर नहीं था बट अब जो लीडर हो चुका है, सो दैट इज वाई उसको तब बैन नहीं किया गया था। चाइना इज नॉट एक्सेप्टिंग ऑल द एविडेंसेस फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, China is one country that has refused to allow Azhar's name on the list, aware of evidence against him but is not ready to withdraw his objections. But aware hai wo, kya keh rahi hai, aware of the evidences, aware hai evidences se but is not ready to accept its objection. It is clear that despite Indian-China relations improving after Wuhan summit,
2018 में प्रेसिडेंट जो हैं आपके जाई जिनपिंग और आपके नरेंद्र मोदी जी की एक समिट हुई थी, ठीक है, वुहान समिट उसका नाम है, 2018 में हुई थी, जहां पे उन्होंने बात की थी कि हम अब सुधार करेंगे अपने रिलेशनशिप में, और सामने आया था कि शायद ये जो वुहान समिट है कुछ अच्छे आपके प्रोविजंस लेके आए इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप में, बट फिर भी ऐसा नहीं हुआ है. चाइना स्टैंड इज रिजेक्टेबल एंड कंडेमेबल एंड इट हैज बीन कंसिस्टेंट ऑन दिस इश्यू. न्यू दिल्ली मस्ट नाउ कंसिडर वेदर इट विश टू एक्सेप्ट दिस एज अ फेट अकॉम्पली और कन्फर्ड बेजिंग. फेट अकॉम्पली मैंने अभी आपको बताया था वो कैबरेडी के अंदर, और कन्फर्ड बेजिंग क्या अब ये न्यू दिल्ली के ऊपर है कि क्या वो अपना फेट अकॉम्पली, क्या वो अब बेजिंग के साथ बातचीत करेगा कि या फिर कोई कोअर्शन या फिर कोई फोर्सफुल एक्शन लेगा चाइना के साथ. क्या अब इंडिया जो है क्या आपका कोई जैसे कि कोई नॉर्मल डिस्कशन करके चाइना के साथ बोलेगा कि आप इसको बैन करो और पुटअप करेगा, या फिर कोई फोर्सफुल एक्शन लेगा चाइना के अगेंस्ट में. तो ये देखने का हमारा अभी देखते हैं कि आखिर क्या होता है. दूसरा, द गवर्नमेंट मे बी मोर सक्सेसफुल इफ इट आइडेंटिफाइज द इंसेंटिव्स इट कैन ऑफर. कह रहा है कि गवर्नमेंट ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती है कि अगर वो इंसेंटिव जो है वो बता दे कि चाइना, मतलब कुछ चाइना को दे दे. मान लो कि जैसे कि आपका BRI जो इनिशिएटिव है आपका चाइना का, ठीक है, मान लो, ठीक है, मैं नहीं कह रही कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि ऐसा होगा तो पाकिस्तान का रास्ता खुल जाएगा, बट मान लो कि चाइना जो BRI इनिशिएटिव के तहत पे जो आपका चीफ इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर खोलना चाहती है, और जिसमें आपको पता है इंडिया ने मना कर दिया हिस्सा लेना इसे, तो हो अगर इंडिया हाँ कर दे, क्या पता हाँ कर दे, तो यहाँ पे बैन हो सकता है. ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं कह नहीं रही कि इंडिया बैन ही ये कर दे, इसका साथ दे दे, बिकॉज हमारे देश के लिए ये भी सही नहीं है. सो यहाँ पे कुछ इंसेंटिव्स देने जाए, ऑफर दिए जाने चाहिए चाइना को. राइट, वाइल सम ऑफ दीज इंसेंटिव्स वुड बी बायलेटरल, द चाइनीज स्पोक्सपर्सन हिंट, कुछ बायलेटरल यहाँ पे हो सकते हैं या फिर कुछ ट्राइंगुलर, मतलब पाकिस्तान इस्लामाबाद को भी शामिल किया जा सकता है. राइट, सो चाइना विद इट्स इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक लेवरेज विद पाकिस्तान मे बी बेटर प्लेस टू हेल्प इन दिस मैटर. सो चाइना विद इट्स इकोनॉमिक and strategic leverage with Pakistan may be better place to help in this matter. So China ki jo economic strategic level hai Pakistan ke saath may be better place to help in this matter. So let's see ki ab kya hota hai, kyunki China ne apna jo veto power hai wo istemal kar liya aur Masood Azhar ko dobara आपका ऐसा सामने आया है कि उनको उसको बैन नहीं करने दिया है. तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये आपका जो चाइना ने एक्शन किया है दोबारा से मसूद अजहर को बैन नहीं करने के लिए, क्या ये करना चाहिए था, क्या ये नहीं करना चाहिए था, या फिर आप मुझे बताओ कि हम अब क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इन दिस पर्सपेक्टिव. क्या हम कुछ इंसेंटिव्स दे, मतलब या फिर कोअर्सिव एक्शंस करें आपके चाइना पे, तो आप बताओ कि क्या करना चाहिए अब आफ्टर दिस जब चाइना ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया. तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल, जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या होना चाहिए. चलो, एन अबोरेंट एंड अनजस्ट डिवाइस. राइट, सो यहाँ पे अनजस्ट डिवाइस और अबोरेंट डिवाइस मतलब एक खराब और एक अनजस्ट डिवाइस है. कौन सा डिवाइस है आपका? डेथ पेनल्टी. राइट, रिटेंशन ऑफ द डेथ पेनल्टी अटरली अंडरमाइंस इंडियाज मोरल फाउंडेशन. सो जो डेथ पेनल्टी है वो पूरा आपकी जो इंडिया की मोरल मोरल वैल्यूज है उनको अंडरमाइन कर रही है, ये केवल आर्टिकल बोल रहा है. और वो कैसे कर रही है, देखो, ऑन मार्च 5 को एक 3-जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड वर्डिक्ट्स इन 3 डिफरेंट डेथ पेनल्टी केसेस. इन 2 ऑफ दोज द कोर्ट एंटायरली एग्जोनरेटेड द सस्पेक्ट्स. आपको अगर याद हो सुप्रीम कोर्ट ने तीन लोग जो थे आपके क्रिमिनल्स थे अगेंस्ट रेप केस, उनको रिहा करने की बात कर दी गई क्योंकि 16 साल बाद उनका केस सामने आया कि उन्होंने ये क्राइम किया ही नहीं है. कितने लोगों को ये जो आर्टिकल है वो याद है? इकोनॉमी बैंस, ओके, एयर स्ट्राइक ऑन जशीम मोहम्मद, एक्शन अगेंस्ट टू पाक, चाइना प्रोडक्ट्स मत लो गाइस, ओके, चाइना से अगर हम अपना इंपोर्ट जो है, ठीक है, अगर वो हम बंद कर देते हैं तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा चाइना के लिए इतना कुछ, क्योंकि इतना चाइना को कोई नुकसान नहीं होने वाला, हमारे इंडिया को ही नुकसान हो सकता है इसका. राइट, सो चलो,
हाँ, तो हम देखते हैं अब इसको. कलेक्टिवली द केस डेमोन्स्ट्रेट हाउ आर्बिट्री द डेथ पेनल्टीज. ठीक है, बोल रहा है कि आपको कितने लोगों को यहाँ पे याद है कि 3 लोगों को यहाँ पे रिहा करने की बात की गई थी. अब उनमें से क्या हुआ कि 2 लोगों को तो सीधा सीधा मतलब रिहा कर दिया, एग्जोनरेटेड द सस्पेक्ट, वाइल जो थर्ड था इज नॉट ओनली फोकस्ड द अक्यूज गिल्टी ऑफ मर्डर बट डिजर्विंग द कैपिटल पनिशमेंट. कह रहा तीसरा जो इंसान था उसको अक्यूज मतलब वो अक्यूज सामने आया कि उसने क्राइम किया है और उसको कैपिटल और उस पर फाइन भी लगाया गया. राइट, सो ये आपका बोला गया है. सो कलेक्टिवली द केसेस डेमोन्स्ट्रेट हाउ आर्बिट्री द डेथ पेनल्टी इज. डेथ पेनल्टी के जो केसेस सामने आए उसमें क्या हुआ था, पहले आपका 3 लोग शामिल थे बट 16 साल बाद उनको दोबारा से उसको रिवाइव किया गया केस को और उनमें से 2 लोगों को रिहा कर दिया गया. एक पे आपका अभी भी वो गिल्टी चार्ज है और उसको फाइन भी लगा दिया गया है. कंजक्शन एंड फार्स, अभी फार्स का मतलब बताया था मैंने. राइट, और इन द फर्स्ट ऑफ द केसेस, राइट, एक फर्स्ट एक केस हुआ था जिसका नाम है दिगंबर वैष्णव वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जहाँ पे 2 पर्सन को कन्विक्ट किया गया था ऑफ मर्डरिंग 5 विमेन एंड वो सेंटेंस टू डेथ इन 2014. उनको सीधा सीधा डेथ सेंटेंस दे दिया गया. राइट, ईयर लेटर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट अफर्म्ड दी सेंटेंसेस. राइट, और हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया, बट द चीफ टेस्टिमोनी विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ द प्रोसिक्यूशन केस वॉज दैट ऑफ 9 ईयर ओल्ड. और एक केवल विटनेस लिया गया था 9 साल के बच्चे को. राइट, और जो आई विटनेस भी नहीं था तो उसके बेस पे पूरा केस लड़ा गया एक 9 साल के बच्चे पे. तो यहाँ पे 2 लोगों को डेथ पेनल्टी दे दी गई टू अगेंस्ट द क्राइम कि उन्होंने 5 विमेन्स का मर्डर किया है. राइट, दूसरा केस है अंकुश मारुति शिंदे एंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. सेकेंड केस सामने आया कि 2006 में अ ट्रायल कोर्ट फाउंड 6 पर्सन गिल्टी ऑफ रेप एंड मर्डर सेंटेंस ईच डेम टू डेथ. और अगेन 6 लोग सामने आए और उनको दोबारा से डेथ सेंटेंस यहाँ पे दे दिया गया. अ ईयर लेटर बॉम्बे हाई कोर्ट कंफर्म द फाइंडिंग. बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोबारा से 1 साल बाद बोला कि यस, ये गिल्टी है, इन लोगों ने क्राइम किया है, बट कम्यूटेड द सेंटेंस इम्पोज ऑन द 3 ऑफ इंडिविजुअल. बट डेथ पेनल्टी जो थी उसे हटा के क्या बोला, उम्र कैद कर दी, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट यहाँ पे दे दिया. राइट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा किया बट 2009 में अपना डिसीजन बदला गया. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक डिसीजन लिया कि नहीं, आप लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, इनको सेंटेंस टू डेथ, डेथ पेनल्टी ही दी जाएगी. राइट, सो सीधा जिसको चेंज कर दिया गया. अब तीसरा केस जो था आपका खुशविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. इट नॉट ओनली अफर्म द कन्विक्शन ऑफ द अक्यूज्ड ऑन चार्जेस ऑफ मर्डरिंग 6 मेंबर्स ऑफ द फैमिली बट ऑल्सो गिव इट्स इम्प्रीमेच्योर टू अवार्ड ऑफ डेथ पेनल्टी. तो यहाँ पे थर्ड केस में क्या हुआ, चलो यहाँ पे तो आपका डिसीजन लिया गया, हाई कोर्ट के पास गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास आया, पर तीसरे केस में सीधा जो खुशविंदर सिंह था उस पर चार्जेस आए कि उसने 6 मेंबर की यहाँ पे मर्डर कर दिया और सीधा उसको डेथ पेनल्टी दे दिया गया. तो ऑथर कहना क्या चाहता है, ऑथर ये कहना चाहता है कि जो डेथ पेनल्टी जैसी चीज है, इतनी बड़ी जो चीज है, उसको रिव्यू करके लगाया जाए. अब सीधा अगर किसी क्राइम के नेचर पे आप जब लगाते हो राइट डेथ पेनल्टी, तो वो उस नेचर पे ना लगाई जाए कि उसने कैसे क्राइम किया है, उस पे इन्वेस्टिगेशन करी जानी चाहिए कि किस हालात में क्राइम हुए या कैसे क्राइम किया. राइट, तो ये ऑथर का कहना है. दूसरा आते हैं द रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन हैज इट्स ओरिजिन. देखो रेयरेस्ट ऑफ रेयर मतलब क्या है कि जो डेथ पेनल्टी है आपकी, जो डेथ पेनल्टी है उसको रेयरेस्ट केस में यहाँ पे यूज करना चाहिए. ऐसा बोला गया था 1980 में, सामने आया था बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब के केस में, कि जो डेथ पेनल्टी है उसको रेयरेस्ट केसेस में यहाँ पे यूज किया जाएगा. बट जैसे ही खुशविंदर सिंह का जो केस था, द कोर्ट डज नॉट प्लेस ऑन रिकॉर्ड एनी सच पीस ऑफ एविडेंस. सो विदाउट एनी एविडेंसेस यहाँ पे खुशविंदर सिंह को आपकी डेथ पेनल्टी की सजा सुना दी गई. द कैपिटल पनिशमेंट सर्वियर्स नो लेजिटमेट पेनोलॉजिकल पर्पस इज बाय नाउ अबंडेंटली क्लियर. क्या कैपिटल पनिशमेंट भी कोई, आप अगर आप डेथ पेनल्टी भी, एक तो डेथ पेनल्टी हो गया, दूसरा हो गया कि आप कैपिटल पनिशमेंट, दैट मीन्स अगर आप फाइन भी लगा रहे हो तो इससे यहाँ पे फाइन जो लग रहा है वो भी अपना पर्पस सेव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो लोग हैं जो क्राइम करते हैं वो बहुत ही मार्जिनल लोग हैं, कुछ काफी ज्यादा मार्जिनल लोग हैं, छोटे छोटे लोग हैं, पुअर लोग हैं जो एक क्राइम करते हैं. उन पे आप डेथ पेनल्टी लगा दो 2 लाख 4 लाख 5 लाख, वो तो उनके पास तो पैसे ही नहीं होते.
Correct. So in India, evidence also points to disproportionate application of the sentence with the most economically and social marginalized amongst them suffering the most. कि जो economically backward लोग हैं, socially backward लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा suffer कर रहे हैं. और यही आपका डेथ पेनल्टी इंडियन रिपोर्ट, ये आपका पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है कि जो डेथ पेनल्टी की रिपोर्ट आई है DPIR मई 6 को 2016 में रिपोर्ट हुई, ठीक है, जिसने बोला कि 74% जो लोग हैं प्रिजनर्स ऑन डेथ रो एट द टाइम ऑफ स्टडी वर इकोनॉमिकली वनरेबल. वो इकोनॉमिकली बहुत ही वीक लोग हैं 74%, राइट, उनके पास पैसा है ही नहीं. दूसरा 63% जो लोग हैं विद ईदर प्राइमरी और सोल अर्नर्स, 63% एक ऐसे लोग हैं जो अपनी पूरी फैमिली के खुद मतलब एक ही, अगर चार मेंबर की फैमिली है तो जिनको जिनके ऊपर केस आया है वही केवल अपने फैमिली का फैमिली के लिए कमाते थे, तो देयर आर सोल अर्नर्स फॉर द फैमिली. मोर देन 60% ऑफ दो सेंटेंस टू डेथ हैड नॉट कंप्लीटेड द सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन. 60% जो लोग हैं उन्होंने अपनी सेकेंडरी स्कूल की एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं करी थी, राइट. सो मतलब दे आर, आप कह सकते हो दे आर लेस इंटेलेक्चुअल, दे आर इकोनॉमिकली वीक, सोशली वीक, एंड 23 हैड नेवर इवन अटेंडेड स्कूल. सो जस्ट एज डिस्टिंक्टली 76% ऑफ दो सेंटेंस टू डेथ बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस एंड रिलीजियस मिनोरिटी. सो दे बिलोंग टू बेसिकली 73% का मतलब ये है कि 73% लोग जो आपके बिलोंग करते हैं सारे माइनॉरिटी पीपल्स हैं, राइट. ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट डेकेड द सुप्रीम कोर्ट मे वेल हैज सस्पेंडेड द राइट्स ऑफ डेथ रो प्रिजनर, डिलेज बाय द प्रेसिडेंट डिस्पोजिंग अ मर्सी पिटिशन नाउ कंस्टिट्यूट अ वैलिड ग्राउंड ऑफ कम्यूटेशन. देखो क्या होता है, अगर आपके ऊपर डेथ पेनल्टी का चार्ज लगा है किसी पर्सन पे, किसी प्रिजनर पे, तो कुछ समय लिया जाता है, उस समय पे आप डाल सकते हो मर्सी पिटिशन. तो यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि जो मर्सी पिटिशन है वो किसको डालेंगे, बताओ. मर्सी पिटिशन जो मतलब दया की जो अपील है वो मैं किसके पास डाल सकती हूँ, पूरे हमारे इंडिया में किसके पास हम मर्सी पिटिशन को डाल सकते हैं. तो यहाँ पे एक टाइम होता है, अगर गुनाह करने के बाद आपके डेथ पेनल्टी के बाद एक टाइम दिया जाता है जहाँ पे आप अपील कर सकते हो कि आपके ऊपर दोबारा से ये देखा जाए कि आपने क्राइम किया है या नहीं किया है, राइट. सो केसेस सच एज अंकुश मारुति शिंदे अभी जो पढ़ा था, वेयर द अक्यूज एज द जजमेंट रिकॉर्ड्स वर वेरी पुअर लेबरर्स, बहुत ही पुअर लोग थे, नोमैडिक ट्राइब्स कमिंग फ्रॉम द लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी, ऑट टू मेक इट एविडेंट दैट द डेथ पेनल्टी इज अबोरेंट एंड अनजस्टिफाइड. बोला कि डेथ पेनल्टी क्या है, एक अबोरेंट खराब और एक अनजस्टिफाइड आपका. तो प्रेसिडेंट यहाँ पे बोला है वीर मनोरन रोहित तृप्ति अंशी मित्तल यथार्थ अमित तरुण, बिल्कुल सही है. अगर आप और कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत पे आप मर्सी पिटिशन डाल सकते हो प्रेसिडेंट को, अंडर विच आर्टिकल यू कैन गिव मर्सी पिटिशन टू द प्रेसिडेंट, नॉट चीफ जस्टिस. द करेक्ट आंसर इज योर प्रेसिडेंट. सो प्रेसिडेंट को आप डालोगे मर्सी पिटिशन, राइट, इन द केस ऑफ डेथ पेनल्टी. सो अंडर विच आर्टिकल यू कैन प्रेजेंट योर मर्सी पिटिशन टू द प्रेसिडेंट, कमेंट करके बताओ जल्दी से. एंड अगेन आपका एक आर्टिकल यहाँ पे दूसरा आर्टिकल खत्म हो गया है. लास्ट आर्टिकल पे आते हैं कि कैन शेयरिंग बी प्राइवेट, क्या ये जो शेयरिंग है आर्टिकल 72 गलत है. ओके चलो प्रेसिडेंट का आर्टिकल है, मर्सी पिटिशन का पूछ रही हूँ मैं. चलो यहाँ पे आप पता करना कि कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत पे आप मर्सी पिटिशन डाल सकते हो. कैन शेयरिंग बी प्राइवेट, क्या शेयरिंग जो चीज़ है जो हम डेटा शेयर करते हैं वो प्राइवेट हो सकती है. फेसबुक प्राइवेट टू प्राइवेसी प्लान सिंगल्स आर शिफ्ट इन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो यहाँ पे क्या है डिस्क्रिप्शन में कि जो फेसबुक है प्राइवेट, सेंट्रल पार्ट उसका प्राइवेसी बनता जा रहा है, राइट. अब शिफ्ट्स इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब ये जो चीज़ है वो शिफ्ट लेके आएगा, देखते कैसे. फॉर इयर्स नाउ फेसबुक हैज बीन फेसिंग फ्लैग ऑफ प्राइवेसी वायलेशन. आपको पता है कि बहुत सारी प्राइवेसी इश्यूज फेस करता है, डेटा आपका लीक हो जाता है, डेटा का मिसयूज किया जाता है फेसबुक पे, राइट. द मोस्ट नोटोरियस ऑफ दिस वाज द कैम्ब्रिज एनालिटिकल स्कैंडल. अंडर द रिलेंटलेस प्रेशर फ्रॉम रेगुलेटर्स टू टाइटन इट्स प्राइवेसी सेफगार्ड्स, फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्ग इन अ पोस्ट लास्ट वीक अपीयर्स टू हैव मेड अ 180 डिग्री शिफ्ट. तो लास्ट वीक उसने 180 डिग्री शिफ्ट की बात की है कि यस वो प्राइवेसी में कुछ चेंजेस करने वाले हैं और हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस करने वाले, राइट. सो यहाँ पे इन 3200 वर्ड पोस्ट ऑन फेसबुक मिस्टर जुकरबर्ग अनवील दैट ही कॉज अ प्राइवेसी फोकस्ड विजन फॉर सोशल नेटवर्किंग
राइट कि अब हम जितना भी नेटवर्किंग होगा सोशल नेटवर्किंग पे सब कुछ प्राइवेसी फोकस्ड होगा. राइट फेसबुक इज अ कंपनी हुज वेरी बिजनेस मॉडल इज टू बिल्ड ऑन एनकरेजिंग. फेसबुक ऐसी चीज है आपको पता है कि लोगों को मैनिपुलेट करा जाता है. ठीक है कुछ सच नहीं भी हो जाता तो उस पर दिखाया जाता है, उसको शेयर किया जाता है ताकि आप लोग मानो उस चीज को. राइट तो फेसबुक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्राइवेसी जैसी बड़ी चीज को काम करना चाहिए. चलो नेक्स्ट आते हैं. इन हिज पोस्ट जो अभी उसने बोला कि हम मैं आपका प्रिवेसी फोकस रखूंगा, एक फोर फोल्ड स्ट्रैटेजी सामने आई जिसमें पहला बोला कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन होगा. राइट सो एंड टू एंड इंक्रिप्शन यहाँ पे होगा, मतलब कि अगर मैं मैसेज कर रही हूँ किसी ए पर्सन को तो मेरा जो मैसेज है वो केवल ए पर्सन के पास ही जाएगा, बीच में कोई भी सी पर्सन उसको ना कर देख सकता है, ना पढ़ सकता है, ना उसको डिकोड कर सकता है. राइट वो लीक नहीं हो सकता है. सो दैट इज एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो आपका व्हाट्सएप पे इनेबल हो चुका है ऑलरेडी. राइट सो सेकेंड क्या है, यूजर्स कुड पोस्ट एफर्मल मैसेज दैट वुड ऑल गेट ऑटोमेटिकली गेट डिलीटेड अनलेस दे स्पेसिफाइड अदरवाइज. कह रहे हैं कि अगर आपने कोई ऐसा मैसेज करा है और जो फेसबुक को लग रहा है कि गलत है, उसमें कुछ गलत लिखा हुआ है, तो अपना आप डिलीट हो जाएगा. ठीक है तीसरा इंटरऑपरेबिलिटी विच वुड इनेबल यूजर टू सीमलेसली सेंड एंड रिसीव मैसेज अक्रॉस व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम और SMS. तो आप व्हाट्सएप के इंस्टाग्राम के SMS के फेसबुक पे आप सीम रिसीव कर सकते हो, राइट सेंड कर सकते हो फेसबुक पे. वुड बी पॉसिबल ओइंग टू यूनिफिकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी के बैंक एंड ऑफ ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स. राइट सो ये आप इंटर डेटा शेयर कर सकते हो सभी आपके जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं. फाइनली फेसबुक विल नॉट स्टोर डेटा इन कंट्रीज दैट हैव अ क्वेश्चनेबल रिकॉर्ड. और कोई भी ऐसा डेटा स्टोर कर, क्योंकि यहाँ पे जब एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, ठीक है जब एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है तो जो डेटा है आपका, मैं जिस अगर मैंने एक मैसेज भेजा है ए पर्सन को तो वो फेसबुक भी नहीं देख सकता, तो फेसबुक के पास भी एक्सेस नहीं है. राइट सो ऑफ दीज फोर द मोस्ट रेडिकल प्रॉमिस इज इंक्रिप्शन अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स इफ इम्प्लीमेंटेड विच मे स्टिल डाउट इट वुड मीन दैट द फेसबुक कैन नॉट सी वॉट इट्स बिलियन ऑफ यूजर्स आर शेयरिंग. राइट सो यहाँ पे इसका मतलब है अगर पहला ऑप्शन जो है आपका ये कर लिया जाए तो फेसबुक खुद भी नहीं देख पाएगा कि आखिर लोग क्या शेयर कर रहे हैं. तो ये बहुत ही एक रेडिकल अप्रोच भी होगी कि पता ही नहीं चलेगा कि क्या देखा जा रहा है. तो यहाँ पे किस तरह से आप चीज़ें सामने लेकर आओगी कि ये गलत है या सही है. मतलब उन्होंने दूसरे पॉइंट में ये भी बोला अगर कोई गलत चीज़ जा रही है और लग रहा है तो वो अपने आप डिलीट भी हो जाएगी. राइट सो ये था लास्ट वर्ड्स. Mr. Zuckerberg answer suggests that the pivot to privacy would itself based on a pivot towards payments, commerce and ultimately a platform for many other kinds of private services. He hasn't offered a time frame for effecting this transition. So, अब जो आपका आपको पता है कि ये प्राइवेट टू प्रिवेसी हो गया है, दैट मीन सेंट्रल रोल जो प्रिवेसी प्लेन कैसे करेगा, अभी तक ये इफेक्ट में नहीं लाया गया है. बट लेट्स सी कि क्या ये हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्या आपका सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा. व्हाट्सएप इज़ गुड बिकॉज इट्स ऑल्सो ओन बाय CEO ऑफ फेसबुक मार्क जुकरबर्ग. बट लेट सी, फेसबुक इज अ वेरी ह्यूज प्लेटफॉर्म देन आपका व्हाट्सएप. दैट इज वाई आपका फेसबुक को यहाँ पे जरूरत है एक प्रिवेसी मॉडल की, एक अच्छे प्रिवेसी मॉडल की जरूर जरूरत है. बिकॉज यहाँ पे डेटा का एक्सट्रीम मिसयूज किया जाता है, फॉल्स डेटा जो है उसको पब्लिशाइज किया जाता है, कुछ भी गलत लोगों के बारे में डाला जाता है. राइट सो ये चीज जो है उसको रोका जाना चाहिए. ठीक है अब जो ये आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ कैसे पोर्ट्रे करते हो फेसबुक पे, क्या आप उसको अल्टीमेटली सभी के सामने रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो. राइट बट अगर आप रख भी रहे हो तो आपको एक हर जगह के इंसान को क्या चाहिए होता है, एक सेफ्टी महसूस होनी चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया ऐप हो, चाहे वो किसी रेस्टोरेंट में जा रहा हो, चाहे वो किसी प्लेस में जा रहा हो. राइट सो अ पर्सन वॉन्ट्स अ सेफ्टी. राइट सो ये आपका आर्टिकल था. तो लेट्स सी कि क्या होता है, प्रिवेसी मॉडल जो अभी दिया है क्या वो एग्जीक्यूशन में आता है या नहीं आता है. तो दिस वॉज इट फॉर योर टूडेज आर्टिकल. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लाइक द सेशन, जल्दी से लाइक कर दो. और हम आते हैं अब टू कंग्रेचुलेट द पर्सन जिन्होंने आपके आर्टिकल लिखे हैं. राइट सो पहली यहाँ पे महिला है जिनका नाम है मीनू यादव. And she always take the courage to write an article every single day, right? So I want everyone to appreciate her.
कुछ दो तीन स्टूडेंट्स हैं जो हर रोज इनिशिएटिव लेते हैं विदाउट एनी डिस्कोर्स, मतलब सभी चीज़ों को साइड में रख के उनका आर्टिकल जरूर आता है. सो वन ऑफ देम इज मीनू यादव एंड शी राइट्स वेरी वेल. आई वुड से जिनको लगता है कि उनको नहीं आता है या वो बहुत ही लो लेवल पे हैं, तो आई वुड से कि आर्टिकल पढ़ो, आपको अच्छा लगेगा, सीखोगे. किसी का ये मतलब नहीं है कि मैं किसी को ऊपर दिखा रही हूँ या किसी को नीचे दिखा रही हूँ. मैं जैसे ये बोल रही हूँ, हम सभी लर्निंग स्टेज पे, आप भी लर्निंग स्टेज पे हो, मैं भी लर्निंग स्टेज पे हूँ, राइट. सो हम सभी एक लर्निंग स्टेज पे, और हमें बिल्कुल यहाँ पे शर्म नहीं होनी चाहिए किसी लड़की से पढ़ने में, किसी लड़के से पढ़ने में, किसी किसी ओल्डर व्यक्ति से पढ़ने में, या फिर किसी यंगर छोटे बच्चे से पढ़ने में. सो लर्निंग कैन बी डन फ्रॉम एनी पर्सन. ओके, सो चलो यहाँ पे वी सना बोल रहा है कि आई हैव टू राइट आर्टिकल एट एनी क्रॉस फ्रॉम टुडे. बिल्कुल सही, आपको ये करना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनू यादव, एंड नेक्स्ट हमारे सामने स्क्रीन पे आते हैं. सो नेक्स्ट हमारे सामने है शिवम मेहता. ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो आपका कल आर्टिकल आया था, उन्हीं पे उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है 1923 पे, राइट. सो जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है आपका, उसको बैन करने की जो बात करी थी, उसी के लिए आर्टिकल आया था जिसपे आपका द हिंदू पे एलिगेशन लगा था, राइट. सो वही आपका आर्टिकल था. सो उनका इस्तेमाल किया गया, तो कंग्रेचुलेशन टू शिवम मेहता. एंड लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, वी हैव विकास कोरकोरा, राइट. सो आई थिंक मैंने नाउन अच्छे से प्रनाउंस किया है. एनीवेज, तो विकास को भी कंग्रेचुलेशन. इंडियन पेरिस क्लाइमेट को, जो आपका क्लाइमेट चेंज है आपका, उसके ऊपर आर्टिकल लिखा गया है. सो इट इज ऑल्सो ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, बहुत अच्छा आर्टिकल है, राइट. सो आप लोग जरूर इसको रेफर करो, पढ़ लेना, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, राइट. सो ये आर्टिकल जरूर पढ़ना, जो आपको दिए जा रहे हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, उनको आप पढ़ा जाए. सो कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, एंड वी विल मीट टूमोरो 9 AM, राइट. So congratulations again to all of you, and we will meet tomorrow 9 AM. Okay, sorry. Tomorrow आपकी जो क्लास होने वाली है एडिटोरियल की, वो आपके कुछ सर लेंगे, राइट. बिकॉज आई एम नॉट अवेलेबल, तो कुछ सर इज टेकिंग योर एडिटोरियल क्लास फॉर टुमोरो. सो यू विल कोऑपरेट विद हिम, एंड हम कल मिलेंगे. कल तो नहीं मिलेंगे, येस हम मंडे को मिलेंगे अपने एडिटोरियल सेशन के अंदर. एंड सो हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू, एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, और जल्दी से जुट जाओ, मेहनत करो, राइट, और सक्सेसफुल बनो. So we will meet on Monday. Till then, bye bye and take care all of you. Bye. टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते. ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरों में भी अपनी मंजिल, क्योंकि वो किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते. तो आपके अंधेरों को उजाला करने के लिए लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए पूरी रात पूरी क्लास, इसी सैटरडे 16 मार्च, ओनली ऑन अड्डा 247.